एक बार दुर्वासा ऋषि किसी कार्य से कहीं जा रहे थे और उनका मिलन इंद्र से हो जाता, उनकी भेंट इंद्र से हो जाती। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के मान सम्मान में अपने गले की माला उतारकर उसके गले में डाल देते हैं। जैसे उसके गले में डालते हैं, इंद्र को अपमान ज्यादा था, माला उतारकर हाथी की सूंड पर फेंक देता है और वो माला नीचे गिर जाती है, हाथी के पैरों के नीचे आ जाती है। देखिए, अगर आपको भी कोई मान सम्मान में अगर कुछ मिलता है, कोई भेंट मिलती है, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन उसका आदर मान सम्मान करना चाहिए, उसका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगला बड़े मान सम्मान से देता है, जैसी उसकी हैसियत होती है वैसा वो देता है, उसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अब दुर्वासा ऋषि का वापिस उसी रास्ते से आगमन होता है और अपनी माला को पहचान जाते हैं। क्रोध आता है दुर्वासा ऋषि को और वहीं खड़े खड़े श्राप दे देते हैं कि इंद्र, तुझे 3 लोक 14 भवन का बड़ा घमंड है ना, तो मैं श्राप देता हूं, ये 3 लोक 14 भवन तेरे अभी तेरे से छीन लिए जाए। अब शुक्राचार्य जी इसी ताक में रहते, शुक्राचार्य जी कौन है, देवताओं के गुरु जी। शुक्राचार्य जी इसी इंतजार में कब देवताओं को श्राप मिले और कब हम इन पे आक्रमण करें। अब शुक्राचार्य जी को पता चला, देवताओं को बोला कि अभी इंद्र श्रापित हैं और हमला कर दो और राज्य उनका उनसे छीन लो, 3 लोक 14 भवन उनसे छीन लिया जाता है। अब छीन लिया जाता है, देवता दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि महाराज कुछ तो कीजिए, हमारा राजपाट सब छीन लिया। भगवान कहते हैं, ऐसे तो मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि अभी तुम श्रापित हो, और ऐसा करो उन देवताओं को बोल दो कि हमें समुद्र मंथन करना। देवताओं को भी पता कि तुम अकेले नहीं कर सकते, देवताओं को भी पता कि तुम अकेले नहीं कर सकते। देवता आए, देवताओं से कहा कि हमें समुद्र मंथन करना है, देवते मान जाते हैं। समुद्र मंथन की तैयारी होती है, बासु की नाग मंगवाया जाता है, मंदराचल पर्वत को रखा जाता है, लेकिन मंदराचल पर्वत डूबने लगता है तब भगवान क्या करते हैं, कच्छप अवतार ग्रहण करते हैं, लेते हैं और अपने पीठ पे मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं। अब क्या भगवान विष्णु देवताओं से कहते कि तुम ऐसा करो, अभी भाई उनका राजपाट है देवत्यों का, तो तुम उनको बोलो कि हमें मुख की तरफ लगना है। देते बलशाली हैं लेकिन बुद्धिमानी नहीं है, विवेक नहीं है उनके पास। अब देवत्यों ने सोचा जरूर ये मुख की तरफ लग रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई बात है। कहा नहीं, अभी तो हम राजा, हम लगेंगे। देवताओं ने कहा ठीक है, लग जाओ। अब जैसे बासु की नाक को खींचा गया, तो जैसे खींचा तो उस सर्प के मुख से काफी सा विष निकला और काफी से देते नष्ट हो गए। अब जब तक बात समझ में आई, सभी देवते पीछे हट गए कि अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब समुद्र मंथन कर रहे हैं, उससे जो भी निकल रहा वापिस नहीं जाना है, अब विष है वापिस नहीं जाना है। देवता दौड़े दौड़े महादेव जी के पास जाते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज आप आइए, वो विष ग्रहण कीजिए। अब मां पार्वती कहती है कि आप मत जाइए, देवता बड़े चालाक हैं, अमृत तो खुद ले लेंगे और तुम्हें विष दे देंगे। महादेव जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जग कल्याण के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब माताएं क्या कई कई बार अपना दिमाग बहुत लगाती है, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तो मां ने कहा सुनिए आप मेरे से प्रेम करते, बोले हाँ करते हैं देवी, ये भी कोई पूछने की बात है, बोले मेरे से करते, बोले हाँ बहुत ज्यादा। तो एक बात बताइए हमारी जगह कहाँ है, बोले हमारे हृदय में। तो बोले आप विष ग्रहण करोगे, बोले हाँ, तो हृदय में जाएगा, बोले जाएगा। तो एक बात बताइए मेरी मृत्यु हो जाएगी, बोले हो जाएगी निश्चित है। माँ ने कहा तब कैसा प्रेम करते हो, महादेव जी ने कहा देवी ऐसा कीजिए, हम ऐसा करते हैं कि उस विष को हमारे गले से नीचे नहीं उतरने देते। और तब से महादेव जी का नाम क्या पड़ा है, बोली नीलकंठ महादेव की जय हो। तभी से महादेव जी का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। अब महाराज समुद्र मंथन करते हैं, भगवान आते हैं, वो विष
ग्रहण करते समुद्र मंथन करते करते काम धेनु गाय निकलती है, रावत हाथी निकलता है, परिजात वृक्ष निकलता है, काफी सी अप्सराएं निकलती हैं, अप्सराओं को स्वर्ग भेज दिया जाता है। अब माँ लक्ष्मी निकलती है वरमाला लिए हुए, क्या लिए हुए, वरमाला लिए हुए समुद्र मंथन में, देवता भी देवते भी और संतजन भी है। अब वरमाला लिए निकली तो सभी तैयार, वही वरमाला हाथ में डालेगी किसी ने किसी को तो सभी अपने एकदम तैयारी में खड़े हैं। माता देवताओं की तरफ जाती है, लक्ष्मी माता देवताओं को देखती है, बलशाली भी हैं अच्छे भी हैं लेकिन घमंड ज्यादा है, आगे चल देती है। देवताओं की तरफ जाती है, बलशाली हैं लेकिन बुद्धिमानी नहीं, आगे चल देती। संत जन खड़े हैं, बोला बुद्धिमानी भी हैं, बलशाली भी हैं, लेकिन इनको क्रोध जल्दी आता महाराज, आगे चल देती है। अबे जैसे ही आगे चल रही है, माला हाथ में गले में डालना है, सामने से साक्षात भगवान आते हैं। मां लक्ष्मी देखती कहती बलशाली भी हैं, बुद्धिमानी भी हैं और विवेकी भी हैं, क्रोध भी नहीं आता है, सर्व गुण संपन्न है, तो वो कौन है, हमारे भगवान। और इतना कहकर मैया गले में माला डाल देती। अब क्या होता है, फिर से समुद्र मंथन होता है, अमृत निकलता है, और अमृत निकलता है तो देवते और देवता दोनों झगड़ा करने लग जाते। झगड़ा देखकर भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं, भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं, और जैसी मोहिनी अवतार लिया बड़ी सुंदर, इतने सुंदर जो देखे वही मोहिनी। अब देवते देवते कामी हैं, विवेक नहीं है, वो भगवान के पीछे पीछे हो जाते। अब इधर से मोहिनी अवतार ग्रहण करके वो अपने पीछे पीछे लिए जा रहे, इधर भगवान देवताओं को अमृत पान करवा रहे जल्दी जल्दी में, और उनकी पंक्ति में एक खड़े हो जाते हैं, एक देवते रह जाते हैं, उनका नाम क्या है, राहु। वो खड़े हो जाते हैं, भगवान जल्दी जल्दी उनको अमृत पिला रहे हैं, और गलती से उनको भी पिलाया जाता है, फिर भगवान को लगता है कि गलत हो गया, सुदर्शन चक्र लेकर उनकी गर्दन अलग करते हैं, इतने में वो तो अमृत अपना असर दिखा दिया, और उस देवते के कितने बन जाते हैं, दो, कौन कौन, राहु और केतु। अब देते भूल जाते हैं कि भाई देवताओं ने अमृत पान कर लिया है, अब ये हारेंगे नहीं, युद्ध होता है, देते हार जाते हैं।